बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मदी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अजीज़ तालबात, जैसा कि आप जानती हैं कि हम नए तालीमी साल 2021-22 का आगाज़ कर चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हम हशतुम यानी 8 क्लास के लिए 9वीं-10वीं के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू लाजमी की किताब से सबक पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब किताब का सफ़ा नंबर 18 खोलें। सबक शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ हिदायात हैं जिन पर हमने अमल करना है, ठीक है, और जिन पर आपने भी अमल करना है। किताब की पहले आपको दिखा देती हूँ कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू लाजमी 9वीं और 10वीं जमात के लिए जो किताब है वही आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। क्लास 8 में यही किताब पढ़ाई जा रही है और इसी किताब में से हम सबक आज का शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ हिदायत हैं जिन पर आपने अमल करना है। अब क्या है? हेडफोन का आपने इस्तेमाल करना है, कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, तमाम काम का स्क्रीनशॉट ले लें। आपको जो लगता है कि जो काम आपके लिए ज़रूरी है, जिसे सेव करना ज़रूरी है, जो बुक में मौजूद नहीं है, उसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें। लेक्चर के मुतालिक कोई सवाल हो तो आखिर में आप पूछेंगे, वो भी चैट के ज़रिए, ठीक है। मश्क के लिए दिए गए काम को सफाई के साथ कॉपी में तहरीर करेंगे। तो आज का हम शुरू करते हैं लेसन, उम्मीद की खुशी। किताब का सफ़ा नंबर 18 है, ठीक है। उम्मीद की खुशी, उम्मीद किसे कहते हैं, क्या होती है उम्मीद? उम्मीद से मुराद है कि कोई ख्वाहिश, कोई आस, कोई तवक्को, कोई आरजू, ठीक है। यानी कि वो बात जो हम सोचते हैं पॉजिटिव, वो तमाम चीज़ें कि ये ऐसा हो जाएगा, इंशाल्लाह अच्छा काम होगा। तो यानी कि जो कोई तवक्को या आस हम रखते हैं तो उसकी उससे जो हमें खुशी मिलती है, तो उसके हवाले से आज हम पढ़ेंगे कि उम्मीद की खुशी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ मकासद हैं जिन्हें मैं शेयर कर लेती हूँ। सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि दुरुस्त तलफ्फुज़ और रवानी के साथ सबक को पढ़ सकें। अब आपको पता है कि लैंग्वेजेस में रीडिंग मस्ट होती है, यानी कि आपको बुलंद खानी अच्छी तरह आनी चाहिए, रवानी के साथ आनी चाहिए और जो अल्फाज की अदायगी है वो सही तलफ्फुज के साथ होनी चाहिए। नंबर दो पे क्या है कि मुश्किल अल्फाज के मानी लिख सकें। चैप्टर के अंदर जितने ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जो आपके लिए नए हैं या मुश्किल हैं, तो उनके मानी अब जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो वो आपको आ जाने चाहिए। और उसके बाद तीसरा है, सबक के मुतालिक सवालों के जवाब दे सकें। अगर किसी किस्म का कोई सवाल टीचर आपसे करती हैं तो चैट बॉक्स के थ्रू या किसी भी तरह आप उसका आंसर दे सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सफ़ा नंबर 18। सफ़ा नंबर 18 आप खोलेंगे। सबक उम्मीद की खुशी शुरू करने से पहले इनके जो मुसन्निफ़ हैं, इस चैप्टर के जो मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान, उनका एक मुख्तसर सा तारुफ मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ, ठीक है। वो आपने वैसे तो अच्छा खासा डिटेल में उनका तारुफ दिया गया है, लेकिन हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ेंगे। आपने वही तारुफ अपनी उसमें मुसन्निफ़ के तारुफ का जब आप काम करेंगे, ये लिखना होगा आपने बाकायदा मुसन्निफ़ का तारुफ अपनी कॉपी में, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है, दिल्ली में पैदा हुए, ठीक है। तो लेकिन हम उनके बारे में जब लिखना शुरू करेंगे तो हम इस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने, यानी उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अपने अखबार सैयदुल अखबार से किया। मुसलमानों के अखलाक की इस्लाह के लिए, इस्लाह यानी दुरुस्तगी के लिए, सही करने के लिए एक रिसाला तहजीबुल अखलाक निकाला। नीज़ मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जो तरक्की पाकर एक अजीमुल शान यूनिवर्सिटी बन गया। सर सैयद एक बुलंद पाया नसर निगार थे, ठीक है। नसर निगार किसे कहते हैं, यानी कि जो मजमून की सूरत में लिखता है, जैसे कोई कहानी, कोई भी इस तरह का जैसे चैप्टर हो गए, कोई वाकया, तो उनको कहते हैं नसर निगारी, ठीक है। अखबार नवीस थे, यानी कि अखबार में लिखते थे, और आलिम थे, यानी कि उनके पास इल्म था, ठीक है। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर ने आपको जवादुद्दौला और आरिफ जंग के खिताबात दिए। जवादुद्दौला यानी दौलत बख्शने वाला, जवाद बख्शने वाला, दौला यानी दौलत
तो दौलत बख्शने वाला और आरिफ जंग के खिताबात दिए। आरिफ जंग यानी जंग के मामलात जानने वाला, आरिफ जानने वाला और जंग यानी जंग के मामलात जानने वाला, तो ये खिताबात दिए थे आखिरी मुगल बादशाह ने उन्हें। अंग्रेज़ हुकूमत ने भी आपको सर का खिताब दिया। आपने बहुत सी किताबें लिखी जिनमें आसार सनदीद, खुतबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद और तारीख सरकशी बजनूर बहुत मशहूर हैं। तो ये हमारे पास सर सैद अहमद ख़ान का मुख्तसर सा तारुफ है। थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सर सैद अहमद ख़ान को जदीद उर्दू नसर का बानी भी कहा जाता है, यानी कि जदीद जो उर्दू नसर है जो हमें उर्दू नसर की शक्ल में लिखी हुई नज़र आ रही है, जहाँ कहीं मजमून है, कहीं कोई चैप्टर है, कोई कहानी है, कोई नावल है या इस तरह की, तो नसर में जो चीज़ लिखी हुई है उसमें उर्दू नसर का, इन्हें जदीद उर्दू नसर का बानी भी कहा जाता है। बानी यानी कि इन्होंने इसका आगाज़ किया, इसको शुरू किया, और उन्हें मुस्लिह कौम भी कहा जाता है। मुस्लिह कौम का मतलब क्या होता है? कौम की इस्लाह करने वाला, ठीक है। तो ये खिताबात, ये उन्हें मजीद उन्हें हम कह सकते हैं अलकाबात भी दिए गए थे, ठीक है। अब ये तो हो गया मुसन्निफ़ का तारुफ, और आपने यहीं से यानी सेकेंड पैराग्राफ से लेकर लास्ट पैराग्राफ तक ये दो पैराग्राफ आपने मुसन्निफ़ की हेडिंग डाल के ये लिखने हैं, ठीक है, तारुफ़ के, मुसन्निफ़ के तारुफ के तौर पर। अब हमारे पास नेक्स्ट में आ रहा है हमारा चैप्टर, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर स्टार्ट में मैंने जैसे आपको बताया था कि उम्मीद की खुशी, यानी उम्मीद क्या है? किसी भी आरजू, किसी भी ख्वाहिश, किसी भी आस को या कोई भी तवक्को करना आने वाले दिनों के अच्छे अंदाज में, आने वाले दिनों के बारे में सोचना और फिर उसकी खुशी महसूस करना, वो कैसे होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सबक। ऐ आसमानों की रोशनी और ऐ ना उम्मीद दिलों की तसल्ली, उम्मीद तेरे ही शादाब और सरसब्ज बाग से। शादाब किसे कहते हैं? तरोताज़ा, सरसब्ज, हरा भरा बाग से हर एक मेहनत का फल मिलता है। यहाँ पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखा हुआ है, आप इसको मेहनत कर लीजिए, अपनी बुक में भी ये करेक्शन कर लीजिएगा। हर एक मेहनत का फल मिलता है, हम जो मेहनत करते हैं ना और फिर उस रिज़ल्ट के तौर पर हमें उसका अच्छा नतीजा जो मिलता है तो उसे कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, ठीक है। तेरे ही पास हर दर्द की दवा है, तुझ ही से हर एक रंज में आसूदगी है। रंज कहते हैं दुख को, ठीक है, आसूदगी कहते हैं राहत को, आराम को। अकल के दरमियान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर तेरे ही घने बाग के सरसब्ज दरख्तों के साए को ढूंढता है। वहाँ की ठंडी हवा, खुश अलहान जानवरों के राग, खुश अलहान कहते हैं अच्छी आवाज़ों वाले या सुरीली आवाज़ों वाले जानवरों के राग, बहती लहरों की लहरें, बहती नहरों की लहरें इसके दिल को राहत देती हैं, राहत यानी आराम देती हैं, सुकून देती हैं, इसके मरे हुए ख्यालात को फिर जिंदा करती हैं। तमाम फिक्रें दिल से दूर होती हैं और दूर दराज ज़माने की ख्याली खुशियां सब आ मौजूद होती हैं। अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि सबसे पहले हम ये बता दें कि ये चैप्टर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है और ये हमने पहला हिस्सा पढ़ा है। पहले हिस्से में क्या बताया गया कि उम्मीद को बतौर सुकून, दिल का सुकून, कल्ब का सुकून बताया गया कि उम्मीद जो है वो हमारे दिलों का सुकून है और हमारी परेशानियों की से निजात का एक ज़रिया है। पहले हिस्से में ये बताया गया है। अब हम देखते हैं कि इस पहले हिस्से को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर सैद अहमद ख़ान ये बता रहे हैं कि उम्मीद ही बेकरार दिलों का करार है, ठीक है, करार है यानी राहत है, आराम है, बेचैनी में सुकून है, यानी जब इंसान बेचैन हो जाता है, किसी वजह से परेशान हो जाता है, तो उम्मीद जब उसे अच्छे दिनों की होती है, अच्छे काम की होती है, तो वो फिर उसको सुकून आ जाता है, आने वाले अच्छे दिनों की आस है। यानी कि इंसान किसी भी परेशानी में मुब्तला होता है तो वो सोचता है कि आने वाला वक्त, ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, आने वाला वक्त मेरे लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह, तो ये चीज़ उसकी एक आस होती है, उसकी एक उसको करार देती है, ठीक है, उसको चैन देती है, सुकून देती है। मुसन्निफ़ ने इसे आसमान से उतरती हुई रोशनी करार दिया है, आसमान से उतरती हुई रोशनी है, और इसे ना उम्मीद दिलों की तसल्ली भी कहा है।
यानी कि जो लोग ना उम्मीद हो जाते हैं, दिल छोड़ बैठते हैं किसी काम में नाकाम होकर, तो फिर ये उनके लिए क्या है कि दिल को तसल्ली देती है। ठीक है, ना उम्मीद जो दिल हो जाते हैं, मायूस जो लोग हो जाते हैं, उन्हें एक तसल्ली देती है। अच्छा, उम्मीद को क्यों तसल्ली कहा गया है? इसलिए कि जब हम जिंदगी में किसी नाकामी का सामना करते हैं, हम ना उम्मीद हो जाते हैं, हमारा दिल बेजार हो जाता है, हमें किसी बेहतरी की तवक्को नहीं रहती, हमें लगता है कि हर तरफ हमारे साथ बुरा हो रहा है और अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि उम्मीद ही होती है। अगर हम ये ख्याल करें कि ये वक्त है अच्छा वक्त नहीं है, ये हमारे लिए परेशानी का वक्त है, मुश्किल वक्त है, तो फिर अगर हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि अच्छा वक्त भी आएगा, तो फिर क्या होता है कि हमारे दिलों को ढारस देती है, ये उम्मीद ही होती है। जब हम सोचते हैं कि नहीं, ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, अच्छा वक्त भी आएगा, तो वो उम्मीद हमारे दिल को ढारस देती है। ठीक है, हमारा हौसला बढ़ाती है। अब मुसन्निफ उम्मीद को एक तरोताज़ा और सरसब्ज बाग से तशबीह देते हुए कहते हैं। तशबीह किसे कहते हैं? कि किसी चीज़ को किसी जैसा कहना। ठीक है, जैसे माँ बाप कहते हैं ना, मेरा बेटा चांद जैसा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? फूलों की तरह खूबसूरत है। तो ये तशबीह होगी, किसी चीज़ को हम फूलों की तरह खूबसूरत कह रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि तशबीह दे रहे हैं उस चीज़ को फूलों से। तो शायर मुसन्निफ यहाँ पे तरोताज़ा और सरसब्ज बाग से उम्मीद को तशबीह दे रहा है। और वो क्या कहते हैं कि जब हम किसी काम के लिए मेहनत करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। अब जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, तालिबे इल्म हैं, जब आप बहुत मेहनत करते हैं अपने काम को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो फिर ये तवक्को एक तालिबे इल्म को होती है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी, मुझे कामयाबी मिलेगी, और इस मिलने वाली कामयाबी को सोचकर उसके दिल को खुशी का एक एहसास होता है। उसे ये लगता है, उसे ऐसे लग रहा होता है कि ये कामयाबी मुझे अभी मिल चुकी है, उसको इतनी खुशी और इतनी मुसर्रत होती है। अगर उसे ये उम्मीद ना हो तो वो आने वाली खुशियों को कभी महसूस ही ना कर सके और ना ही मुस्तकबिल के लिए बेहतर मनसूबाबंदी कर सकेगा। मुसन्निफ कहता है कि उम्मीद ही की बदौलत हमारे दुख दर्द राहत और आराम में बदल जाते हैं। यानी कि जब दुख के वक्त, मुसीबत और परेशानी के वक्त हम ये सोचते हैं कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, हमारा अच्छा वक्त भी आएगा, अच्छा हमारे साथ अच्छा होगा, बेहतरी होगी, हमें कामयाबियाँ मिलेंगी, तो ये सब चीज़ें हमारे दुख दर्द में राहत को, हमारे दुख दर्द को राहत में, आराम में बदल देती हैं। हमारी सोच बहुत ही महदूद है, यानी कि इंसान बहुत कम सोच रख सकता है या वो बहुत कम चीज़ों के बारे में सोचता है। जब हम किसी परेशानी का कोई हल नहीं निकाल पाते, ठीक है ना, जब हम भटकते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई अपनी परेशानी का हल नहीं निकाल पाते, तो उस वक्त सबसे जो हमारे लिए सहारे का बायस बनती है वो हमारी उम्मीद ही होती है, वही हमारा सहारा बनती है। और हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा, यानी अच्छा दौर भी आएगा, और यही उम्मीद और यही खुशी हमारे लिए बायस मुसर्रत होती है, हमारे लिए बायस सुकून होती है और बायस इत्मीनान होती है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने ये बता दिया कि उम्मीद किस तरह हमारे दिलों को राहत देती है और किस तरह परेशानियों से हमारी जान छुड़ा सकती है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है, वो हम पढ़ेंगे। देख नादान, नादान कहते हैं ना समझ को, बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, गहवारा यानी कि झूला। ठीक है, उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है, धंधे में लगी हुई है यानी काम में लगी हुई है, और इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, यानी झूले के साथ उसने कोई रस्सी या कोई डोरी बांधी हुई है जिसे वो अपने काम के दौरान हिलाती रहती है। हाथ काम में और दिल बच्चे में है, और जुबान से उसको यूं लोरी देती है। अब लोरी क्या होता है? वो गीत जिसे सुनकर बच्चा सुकून महसूस करता है, ठीक है, तो और सो जाता है, वो लोरी कहलाता है। अब वो क्या लोरी देती है? सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, ऐ अपने बाप की मूरत, मूरत कहते हैं सूरत को, ठीक है, यानी कि वो अपने, उसकी शक्ल अपने बाप से मिलती जुलती है, तो इसलिए कहा गया अपने बाप की मूरत। और मेरे दिल की ठंडक, वो
क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के दिल का सुकून, उनके दिल की ठंडक होते हैं, तो वो उसे अपने दिल की ठंडक कह रही है और कह रही है कि सो रहे, ऐ मेरे दिल की कोम्पल। कोम्पल बिल्कुल नया पौधा, बिल्कुल नाजुक सा पौधा जो अभी ज़मीन से निकला होता है, उसे कोम्पल कहते हैं, ठीक है। तो वो अपने नन्हे बच्चे को अपने दिल की कोम्पल कह रही है, सो रहे, बड़ और फल फूल। अब यहाँ पे लिखा गया है बड़ और फल फूल, यानी कि बड़े, यानी कि बड़ा हो और तरक्की करे, ठीक है, फले फूले तरक्की करे। तुझ पर कभी खिजान आए, यानी कि किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए, कोई मुसीबत ना आए। तेरी टहनी में कोई खार, ठीक है, खार कहते हैं कांटे को, कभी ना टूटे। कोई कठिन घड़ी तुझको ना आवे, यानी कि तुम्हारी जिंदगी में किसी किस्म की कोई तकलीफ तुम्हें ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई ऐसा लम्हा, कठिन घड़ी कहते हैं, कठिन घड़ी, कठिन मुश्किल को घड़ी, लम्हे को, वक्त को कहते हैं। तो कठिन घड़ी यानी मुश्किल वक्त, कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त ना आए, ठीक है। कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती, यानी ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानियाँ जो तेरे माँ बाप ने सही बर्दाश्त की, तू ना देखे, ठीक है। अब वो अपने बच्चे से कह रही है कि वो मुसीबतें, ये सारा कुछ वो लोरी में गा के सुना रही है अपने बच्चे को, कि जब वो किसी काम में मसरूफ होती है और उसका बच्चा जो है वो झूले में सो रहा होता है, तो वो झूले की डोरी भी हिलाती रहती है, साथ में अपना काम भी करती है, और वो अपने बच्चे से ये सारी उम्मीदें वाबस्ता करके उसने रखी होती हैं, और वो लोरी की सूरत में उसे सारी दुआएं देती है, जो उम्मीदें उससे वाबस्ता होती हैं उनको बता रही होती है। तो क्या कह रही होती है कि सो रहे मेरे बच्चे, सो रहे मेरी आंखों के नूर और मेरे दिल के सरूर। नूर कहते हैं रोशनी को, सरूर कहते हैं खुशी को, ठीक है, करार को। मेरे बच्चे सो रहे, तेरा मुखड़ा, मुखड़ा कहते हैं चेहरे को, ठीक है, तेरा मुखड़ा चांद से भी ज़्यादा रोशन होगा। तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, लियाकत कहते हैं काबिलियत को, ठीक है, तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा, यानी कि यहाँ माँ को, माँ अपने बच्चे के चेहरे की, उसके हुस्न की तारीफ कर रही है, और फिर उसके मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही है कि जब तुम बड़ा हो जाएगा तो तुझे शोहरत मिलेगी, यानी हर कोई तुझे पहचानेगा और तू इतना काबिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये सब चीज़ें, और तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा, यानी माँ बाप को ये तवक्को है कि जब उनकी औलाद बड़ी हो जाएगी तो वो उन्हें मोहब्बत करेगी, उतनी मोहब्बत देगी जितनी के बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, उनके लिए हर तरह की मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। तो माँ बाप को उम्मीद होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे। आखिरकार हमारे दिल को तसल्ली देगी, यानी वो ये उम्मीद रखते हैं कि जब हमारा बच्चा हमसे इतनी मोहब्बत करेगा तो हमारा दिल खुशी से फूल जाएगा, हमें तसल्ली होगी, हमें सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाएगा कि हमारी जो तरबियत है, जो हमने तरबियत की या जो हमने अपने बच्चे के लिए तकलीफ बर्दाश्त की, हमारा बेटा हमें वो खुशियाँ वापस लौटा रहा है, अब हमें सुकून दे रहा है, ठीक है। तेरी हंसी हमारे अंधेरे घर का उजाला होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे तो घर की रौनक होते हैं, ठीक है, तो जब वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं तो घर में रौनक बढ़ जाती है। तो रौनक को यहाँ उजाले को उजाले के तौर पर लिया गया है, यानी घर रोशन हो जाएगा, हर तरफ रौनक होगी, चहल पहल होगी, ठीक है। तेरी प्यारी प्यारी बातें हमारे गम को दूर करेंगी। जब बच्चे अपनी तोतली जबान में बोलना शुरू करते हैं तो माँ बाप को उनकी वो जो ना समझ आने वाली बातें भी होती हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं, और वो अपने दुखों को, गमों को भूलकर अपने बच्चे की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें एक सुकून और इत्मीनान हासिल होता है, ठीक है। तेरी आवाज़ हमारे लिए खुश आइंद रागनियाँ होंगी। खुश आइंद रागनियाँ, अब ये क्या होगा, खुश आइंद का मतलब आने वाले दिनों की, ठीक है, आइंद आने वाले दिन, खुश यानी खूबसूरत आने वाले दिन की रागनियाँ होंगी, यानी गीत होंगे कि ये हमारा बच्चा हमारे आने वाले दिलों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे लिए राहत का सबब बनेगा, राहत का सामान बनेगा, हमारे लिए दिल का सुकून बनेगा, ठीक है। उसके बाद वो फिर कह रही है, सो रहे मेरे बच्चे, सो रहे, ऐ हमारी उम्मीदों के पौधे, सो रहे। अब वो पौधा है, नन्ना सा पौधा है, वो अपने बेटे को पौधे से तशबीह दे रही है कि ये एक नन्ना सा पौधा है, अभी तुम सो जाओ, बोलो,
जब इस दुनिया में हम तुमसे जुदा हो जाएंगे, यानी अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, उनका इंतकाल हो जाएगा, वो नहीं रहेंगे, तो तुम क्या करोगे? तुम हमारी बेजान लाश के पास खड़े होगे। अब ये मुस्तकबिल के बारे में माँ अपने बच्चे, नन्हे बच्चे से बात कर रही है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर तुम अकेले हो जाओगे, तुम क्या करोगे? तुम हमारी बेजान लाश के पास खड़े होगे, तुम पूछोगे और हम कुछ ना बोलेंगे, यानी तुम हमसे बात करोगे लेकिन हम कुछ जवाब नहीं दे सकेंगे, तुम रोओगे और हम कुछ रहम ना करेंगे। यानी जब माँ बाप अपने बच्चों का रोना देखते हैं तो वो फौरन उनके पास आते हैं, उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं, उनकी परेशानी पूछते हैं और उस परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जब हम बेलाश बन जाएंगे, बेजान लाश बन जाएंगे, तो तुम्हारा रोना भी हमें किसी किस्म की तुम्हारी मदद पर आमादा नहीं कर सकेगा। ठीक है, ऐ मेरे प्यारे रोने वाले, तुम हमारे ढेर पर आकर हमारी रूह को खुश करोगे। ढेर यहाँ पे कब्र को कहा गया है। ठीक है, तो जैसे अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर उनके लिए दुआए मगफरत करना, तो इसे कहा गया है रूह को खुश करोगे, यानी कि हमारे लिए दुआए मगफरत करोगे। ठीक है, आ हम ना होंगे, आ हम ना होंगे और तुम हमारी यादगारी में आंसू बहाओगे। अब यादगारी किसे कहा गया है? यादगारी कहा गया है याद में। ठीक है, कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो तुम हमारी याद में आंसू बहाओगे, वो लम्हे जो तुमने हमारे साथ गुजारे, तुम उन्हें याद करोगे तो तुम्हारी आंखें आंसू में भीग जाएंगी। अपनी माँ का मोहब्बत भरा चेहरा, अपने बाप की नूरानी सूरत याद करोगे, यानी उसे अपनी माँ की मोहब्बत याद आएगी, अपने बाप का चेहरा याद आएगा, उसे वो सब लम्हे याद आएंगे, उनकी सब मोहब्बतें याद आएंगी, तो वो बेचैन होकर उसकी आंखों से आंसू बह जाएंगे। आ हमको यही रंज है, रंज है यानी कि हमें यही दुख है। ठीक है, हमें यही परेशानी है। उस वक्त हमारी मोहब्बत याद करके तुम रंजीदा होगे, रंजीदा होगे यानी के अफसुरदा होगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रंजीदा होगे, यानी कि जब तुम हम चले जाएंगे इस दुनिया से तो तुम हमारी मोहब्बत को याद करोगे, तुम्हें वो लम्हे हमारे साथ गुजारे हुए याद आएंगे और तुम रंजीदा हो जाओगे, उदास हो जाओगे। सो रहे मेरे बच्चे, सो रहे मेरे बाले, सो रहे। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये पूरी डिटेल जो बताई गई है कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं, उनके लिए हर तरह की आसाइशें मुहैया करते हैं, बचपन से उनकी कामयाबियों के, उनकी खुशियों के, उनके मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, और फिर ये भी बता रहे हैं कि उन्हें इस चीज़ का भी गम होता है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे बच्चों को अगर कोई परेशानी होगी, कोई मुश्किल होगी, तो हम उनकी मदद नहीं कर सकेंगे। यही यहाँ पे बताया गया है कि माँ बाप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं कि उन्हें इस चीज़ का भी दुख होता है कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे बच्चे अकेले अगर होंगे, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी होगी, तो हम उस वक्त मौजूद नहीं होंगे। उसके बाद है अगला पैराग्राफ है, ये उम्मीद की खुशियाँ माँ को उस वक्त थी जबकि बच्चा वो काम भी नहीं कर सकता था, यानी कि जब बच्चा कुछ बोल भी नहीं सकता था। वो काम करना यानी कि मुश्किल से कोई दो चार लफ्ज जब बच्चा अदा करता है, ठीक है, तो उनको कहते हैं गूंगा। मगर जब वो ज़रा और बड़ा हुआ और मासूम हंसी से अपनी माँ के दिल को शाद करने लगा, यानी जब वो बड़ा हुआ बोलने चलने लगा, तो उसकी हंसी, उसकी बातें उसकी माँ के दिल को खुश करने लगी, शाद करने लगा, खुश करने लगा, और अम्मा अम्मा कहना सीखा, यानी अपनी माँ को बुलाना सीख जाता है। जब वो उसकी प्यारी आवाज़ अधूरे लफ्ज़ों में उसकी माँ के कान में पहुँचने लगी, यानी वो मुश्किल से लफ्ज़ों की अदायगी पर कर पाता है जब बच्चा, तो माँ को अपने बच्चे के वो अल्फाज बहुत पसंद आते हैं, उसे वो उसका बोलना कि हमारा बच्चा बोलना शुरू हो गया है, उसे ये बहुत सुकून देता है, बहुत खुशी महसूस होती है उसको। ठीक है, उसके बाद आंसुओं से अपनी माँ की आतिश मोहब्बत को भड़काने के काबिल हुआ। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब वो
इस तरह के बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, माँ बाप को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है अपनी आवाज़ से और उनकी मोहब्बत को और भड़काता है। आतिश मोहब्बत कहते हैं मोहब्बत की आग, आतिश कहते हैं आग को, मोहब्बत कहते हैं जो माँ बाप प्यार मोहब्बत हमारे लिए हर तरह की कुर्बानी देते हैं, तो उसे यानी आतिश मोहब्बत को भड़काने लगा और ज़्यादा बढ़ाने लगा। वो इस काबिल हो गया था कि वो अपने माँ बाप के दिल में अपने लिए बहुत मोहब्बत बहुत प्यार पैदा कर सके। फिर मकतब से उसको सरोकार पड़ा, मकतब कहते हैं स्कूल को मदरसे को, सरोकार यानी वास्ता पड़ा। रात को अपनी माँ के सामने दिन का पढ़ा हुआ सबक गमजदा दिल से सुनाने लगा, यानी कि जब बच्चे स्कूल से पढ़कर आते हैं और रात को माँ उन्हें दोबारा से लेकर बैठती हैं कि अच्छा आज क्या काम मिला था, आपने क्या पढ़ा, तो वो बच्चे का दिल नहीं भी जा रहा होता तो माँ के कहने पर वो गमजदा दिल से सुनाने लगता है, यानी दुखी हो जाता है कि मुझे क्यों दोबारा पढ़ाने पे बिठा दिया। तो और जबकि वो तारों की छांव में उठकर हाथ मुंह धोकर अपने माँ बाप के साथ सुबह की नमाज में खड़ा होने लगा, और फिर वो वक्त भी आया कि जब वो नमाज अदा करने लगा, यानी तारों की छांव में यानी फजर के वक्त जब वो उठता है, ठीक है, तो और अपने बेगुनाह दिल और बेगुनाह जुबान से, बेगुनाह दिल और बेगुनाह जुबान का क्या मतलब है कि यानी जो बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं, वो गुनाहों से पाक होते हैं, ठीक है, तो इसलिए कहा गया है बेगुनाह दिल और बेगुनाह जुबान, यानी वो जुबान से भी कोई ऐसे अल्फाज अदा नहीं करते। और बेरिया ख्याल से खुदा का नाम पुकारने लगा, यानी बेरिया ख्याल जिसमें कोई दिखावा नहीं होता, जिसमें कोई बनावट नहीं होती, ठीक है, तो वो इससे पाक था और अल्लाह का नाम पुकारने लगा। तो उम्मीद की खुशियां और किस कदर ज़्यादा होगी जब माँ बाप अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर चलते हुए देखते हैं, उन्हें उस माँ बाप ने देखा कि उनका बच्चा नमाज पढ़ रहा है, तो उन्हें ये चीज़ बहुत सुकून और बहुत इत्मीनान देती है कि हमारा बच्चा ना सिर्फ दुनियावी कामयाबी का सबब बनेगी, इसकी जो ज़िंदगी में दुनिया में कामयाब होगा बल्कि आखिरत में भी जब वो इस्लामी तालीमात पर चलेगा तो आखिरत भी इसकी सुरखरू हो जाएगा आखिरत में भी, ठीक है। इसके माँ बाप उस मासूम सीने से सच्ची हमदर्दी देखकर कितने खुश होते हैं, ठीक है, तो उसके माँ बाप इस मासूम सीने से सच्ची हमदर्दी देखकर कितने खुश होते हैं, यानी कि उस बच्चे के दिल में किसी किस्म की कोई बुराई कोई बदी नहीं होती, किसी किस्म का कोई क्या कह सकते हैं हम, हर तरह की मतलब बुराइयों से वो पाक होते हैं, तो वो उस मासूम को देखकर खुश होते हैं और फिर क्या कहते हैं, आ हमारी प्यारी उम्मीद तू ही है जो महद से लहद तक हमारे साथ रहती है। महद कहते हैं माँ की गोद को और लहद कहते हैं कब्र को, ठीक है, तो यानी कि वालदेन के लिए उनकी औलाद उनकी उम्मीद है, उनके आने वाले अच्छे दिनों की आस है तवक्को है, और जो उनकी जो जब बच्चा उनकी गोद में आता है और फिर कब्र तक यानी जब माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब तक वो बच्चा उनके लिए एक उम्मीद एक खुशी एक आरजू एक तवक्को के तौर पर उनके लिए साथ रहता है और उनकी खुशी का बायस बनता है। तो ये तो था हमारा दूसरा हिस्सा जिसमें एक माँ और बच्चे की मोहब्बत को बताया गया है कि किस तरह माँ अपने बच्चे से उम्मीदें वाबस्ता करती है और आने वाले अच्छे दिनों की खुशियों के ख्वाब देखने लगती है और अपने बच्चों की कामयाबियों को बचपन ही से वो महसूस करती है और वो ये तमाम चीज़ें सोचती है और यही उम्मीद यही आस यही तवक्कुआत उसे खुशियां देती हैं बच्चे के बचपन में ही कि हमारा बच्चा बड़ा होकर इतनी कामयाबियां हासिल करेगा अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा इसका किसी अच्छी जगह इसकी जॉब लग जाएगी इसका अच्छा काम होगा ये एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा जो दुख तकलीफ बर्दाश्त हमने किए वो ये नहीं करेगा। तो ये सारी उम्मीदें माँ को अपने बच्चे से वाबस्ता होती हैं और वो उसके बचपन ही से ये उम्मीद लेकर बैठ जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीसरा हिस्सा शुरू करेंगे हमारे इस चैप्टर का कि इसमें ये बताया गया है कि हज़रत बेगुनाह कैदी के हवाले से बताया गया है कि इसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, ठीक है, बेगुनाह कैदी के तौर पर लिया गया है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है कि देख
देख बेगुनाह कैदी, बेगुनाह कैदी कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है, अंधेरे कुएं में। देख बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में, सात तहखानों में बंद है। सात तहखानों में बंद है, उसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है। बे यारो दयार, यानी बे यारो दयार, उसका कोई दोस्त नहीं, वो अपने मुल्क में नहीं है बल्कि गैर मुल्क में है, गैर कौम, अजनबी लोग हैं, गैर मजहब है, अपने मजहब के लोग भी नहीं है, ठीक है, उनके हाथों में वो कैद है। अब वहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद का वाक़या बयान किया है। बूढ़े बाप का गम, यानी बूढ़े बाप का गम उसकी रूह को सदमा पहुँचाता है, सदमा यानी के दुख पहुँचाता है। कैद खाने की मुसीबत, उसकी तन्हाई, उसका गहरा अंधेरा और उस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल उसको नहायत ही रंजीदा रखता है, यानी उदास रखता है। उस वक्त कोई उसका साथी नहीं है, मगर ए हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने वाली उम्मीद, तुझ ही में उसकी खुशी है। ठीक है, ये चैप्टर जो है मज़ामीन सर सैयद से लिया गया है। अब यहाँ पे शायर मुसनिफ क्या फरमा रहे हैं, आखिरी पैराग्राफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा कर रहे हैं कि जब उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया और फिर एक काफला आया, उस काफले ने उन्हें कुएं से निकाला और मिस्र ले गए, फिर अजीज़ मिस्र ने उन्हें कैद में डाल दिया था। अजीज़ मिस्र कौन था? मिस्र का बादशाह था, उसने कैद में डाल दिया था। और उस कैद की कैफियत यहाँ पे बयान की गई, यानी हालत बयान की गई कि वो बहुत ही हसीन थी मगर उनका चमकता हुआ हसीन चेहरा गम की वजह से पीला पड़ चुका था। वो गैर वतन में कैद थे जहाँ उनका ना कोई अपना दोस्त था ना साथी, कौम भी अजनबी थी, अलग मजहब के लोग थे। इन तमाम हालात ने उनके हसीन चेहरे पर जर्दी फैला दी थी, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल पीले पड़ चुके थे उस दुख उस परेशानी में। उन्हें अपने वालिद से बहुत मोहब्बत थी, इनसे दूरी का दुख भी था और साथ ही साथ कैद खाने की मुश्किलात और अपनी बेगुनाही के दुख ने उन्हें निढाल कर दिया था, मगर इन तमाम हालात में एक उम्मीद ही थी जिसने उन्हें ज़िंदा रखा कि अल्लाह ताला उन्हें इस मुसीबत से निकालेगा। यानी उन्हें उम्मीद थी कि अल्लाह ताला उन्हें इस मुसीबत इस परेशानी से निकालेगा और उन्हें निजात दिलाएगा। यानी अब यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि उम्मीद ने उन्हें तसल्ली दी, करार दिया और दुख में भी खुशी का एहसास दिलाया। यानी उम्मीद ही हमें हमें कुव्वत और ताकत अता करती है और हम हर दुख का मुकाबला हिम्मत और इस्तकामत से कर सकते हैं। अब ये हमारे पास उम्मीद की खुशी का चैप्टर हमने पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अल्फाज मायनी बता दिए मैंने, थोड़ा सा और इसके अल्फाज मायनी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक बार अल्फाज मायनी रिपीट कर देती हूँ। आतिश मोहब्बत को भड़काना, यानी कि मोहब्बत में जोश पैदा करना, मजीद ज़्यादा मोहब्बत पैदा करना। बेरिया जिसमें दिखावा ना हो, ठीक है, तख्ती अज्जा में तकसीम करना, खुश आइंद अच्छे मुस्तकबिल वाला, सरोकार वास्ता कठिन घड़ी मुश्किल वक्त, महद माँ की गोद, लहद कब्र, गहवारा झूला, बे यारो दियार वतन से दूर और बेसहारा। ये हमने कुछ अल्फाज मायने रिपीट कर दिए, ठीक है, उसके बाद जो है मज़ीद अब यकीनन आपको ये अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अल्फाज मायने पीछे बुक में मौजूद हैं, फरहंग के नाम से दिए हुए हैं हर टॉपिक के, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बुक में कॉपी में जो आपने करने हैं वो एटलीस्ट 10 to 15 आप करेंगे, ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि बुक में अच्छे खासे दिए हुए हैं। या फिर जो हमने ये स्लाइड बना के आपको दिए इतने भी आप उतार लें तो काफ़ी है। यकीनन उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट हिस्सा है एक्सरसाइज का, आज हमने इसकी रीडिंग की, एक्सप्लेनेशन की, वजाहत कर दी, समझा दिया। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी तो इसमें हम आपको ये सारी एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है, कि क्या कॉपी वर्क क्या करना है वो सब हम समझाएंगे। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।